नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। DLED के छात्रों के लिए यहाँ पर बड़ी सूचना आई है कि जो आपके DLED सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म थे वो आवेदन करने की तिथि जो है वो बढ़ा दी गई है। अभी तक तिथि कम समय की थी, अब तिथि आगे बढ़ा दी गई है। और आप लोग अपने कॉलेज में ये जाकर ज़रूर पता कर लें कि आपका जो परीक्षा फॉर्म है वो भर दिया गया है या नहीं। चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे वो बैक वाले स्टूडेंट हो, सभी छात्र अपने परीक्षा फॉर्म के बारे में जानकारी ज़रूर कर लें अपने कॉलेज से। ऐसा ना हो कि आपके कॉलेज में अभी फॉर्म न भरा गया हो। अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा गया है तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि परीक्षा फॉर्म आवेदन की जो तिथि है वो PNP ने बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर क्या पूरी खबर है, यहाँ पर आप इसका लेटर देख सकते हैं। लेटर को दिखाने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और DLED सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की गणित के फुल वीडियोस आपको लगातार हमारे इस चैनल पर लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पत्र भेजा गया है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से। किसको भेजा गया? समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मतलब DIED के प्राचार्यों को और समस्त निजी DLED कॉलेज उत्तर प्रदेश के। यहाँ पर इसका जो विषय है, DLED BTC परीक्षा वर्ष 2021 हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किए जाने हेतु समय वृद्धि के संबंध में। यहाँ पर लिखा हुआ है उपयुक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक 24 अगस्त 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके क्रम में BTC प्रशिक्षण 2013, 14, 15 सेवारत, DLED 2017-18 प्रथम द्वितीय तृतीय अवशेष अनुत्तीर्ण एवं DLED प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर कक्षोन्नत किए गए प्रशिक्षकों से इतर की परीक्षा 2021 हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किए जाने हेतु अंतिम तिथि 2 सितंबर व संबंधित DIED द्वारा पूरित आवेदन स्वीकृत किए जाने की अंतिम तिथि 3 सितंबर निर्धारित की गई थी। उपरोक्त तिथियां समाप्त हो जाने के उपरांत कतिपय प्राचार्य DIED व निजी DLED संस्थानों द्वारा विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए परीक्षा आवेदन न पूरित स्वीकृत के दृष्टिगत परीक्षा आवेदन की तिथि वृद्धि का अनुरोध अधोहस्ताक्षरी से किया गया है। उक्त के क्रम में प्रशिक्षकों को हितों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय के पत्र दिनांक 24 अगस्त 2021 द्वारा DLED BTC परीक्षा 2021 के ऑनलाइन आवेदन पूरित किए जाने की तिथियों में निम्नवत वृद्धि की जाती है। यहाँ पर जो BTC प्रशिक्षण 2013, 14, 15 यानी जितनी भी परीक्षाओं के फॉर्म भरने की जो तिथि थी वो 6/9/2021 से 7/9/2021 से 3 बजे तक, यानी 7 तारीख 3 बजे तक आवेदन करने का टाइम बढ़ा दिया गया है। और इसके बाद DIED द्वारा इनको स्वीकृत करने की जो डेट बढ़ाई गई है वो 6 से 7 तारीख तक बढ़ाई गई है, यानी 7 तारीख को 5 बजे तक जो DIED हैं वो स्वीकृत कर देंगे, यानी अग्रेषित कर देंगे PNP को। आगे लिखा हुआ है, अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त निर्धारित अवधि तक अनिवार्य रूप से समस्त अर्ह शेष अभ्यर्थियों के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पूरी स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें। कार्यालय के पत्र दिनांक 24 अगस्त 2021 में दी गई शर्तें यथावत रहेंगी। यानी यहाँ पर इस पूरे लेटर का मतलब यही है कि जो आपकी तिथि थी 3 तारीख लास्ट डेट थी, अब वो बढ़ाकर 7 तारीख कर दी गई है। आप लोगों से निवेदन है अपने कॉलेज में जाकर ये ज़रूर पता कर लें कि आपका परीक्षा फॉर्म भर दिया गया है या नहीं, क्योंकि पता चला इधर आप तैयारी करते रहे और आपका परीक्षा फॉर्म ही ना भरा जाए। परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा और आपसे फ़ीस की भी वसूली की जाएगी। कई कई कॉलेज में 1000 तक लिए जा रहे हैं, कहीं 2000 तक लिए जा रहे हैं। आपके कॉलेज में परीक्षा फॉर्म भरने का कितना रुपया लिया जा रहा है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल यूज़फुल रही है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें। कई महत्वपूर्ण वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।